हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत है आप सभी का जादूगर मिथ में। आज हम आप लोगों को मैच करने के लिए बताएंगे क्लास ट्वेल्थ का, यानी कि ये आप देख सकते हैं 5 नंबर आप लोगों को पूछा जाता है हर एक साल। यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप बोर्ड पे, ये क्वेश्चन अब की बार पूछा ही जाएगा 100% गारंटी के साथ। इसलिए आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद जो है लेखक का नाम जो है आप रटना बंद कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आज ही आपको याद हो जाएगा अभी तुरंत, इसलिए वीडियो को एंड तक आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, आपको मैच करने के लिए हर एक साल पूछा जाता है क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का होता है, इसलिए आपको यहाँ पे एंड तक बने रहना है। और सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, अभी नहीं आपको लाइक करना है, नहीं सब्सक्राइब करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आपको हम ये चीज़ ये ना अब की बार ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत चूज करने के बाद हम लाए हैं, जो कि अब की बार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये यानी कि आपका 5 नंबर ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिलाना है मैच ए से लेके, यहाँ पे कहा है यानी कि मैच द नेम्स गिवेन इन कॉलम, यानी ए से बी में मिलाना है। तो आपको मिलान करना है, जिस तरह से हिंदी में मिलान चिन्ह आता उसी तरह से आपको मिलान करना है ना। और यहाँ पे आपको बता दे कहा गया है मैच करने के लिए, तो आपको मैच करना है। देखिए सबसे पहले ये याद करते करते विद्यार्थी थक जाता, लेकिन याद नहीं होता है उसको, तो आपको अभी तुरंत याद करवा देंगे। यहाँ पे देखिए ये पोइट्री से है, है ना, ये पोइट्री से ये है जो कि आपको पूछा ही जाएगा अब की बार। यहाँ पे देखिए कॉलम ए है यहाँ पे, इसके बाद कॉलम बी है, तो आप यहाँ पे देखिए एन इपीटाफ यहाँ पे यानी कि क्या लिखा है ना, इसका लेखक कौन है, एन एपिटाफ का लेखक कौन है। इधर आपका लेखक का नाम है, ठीक है, कॉलम बी में, और कॉलम ए में जो है क्या क्या लिखा है वो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसको याद करता फिर भी भूल जाता है, तो आज आप याद नहीं करना है आपको, है ना, तो सिर्फ देखने से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एन एपिटाफ दिया हुआ है, तो एन एपिटाफ जो है किसने लिखा है ना, तो यहाँ पे एन एपिटाफ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एन एपिटाफ। तो एन एपिटाफ का मतलब, एपिटाफ का मतलब होता है कब्र, क्या होता है कब्र, तो वाल्टर डेला मेयर, एन एपिटाफ किसने लिखा, वाल्टर डेला। तो कब्र कहाँ बनाया जाता है, यानी कि मिट्टी में, मिट्टी का मतलब क्या होता है ढेला, तो ये बात आपको याद रखना, मिट्टी का मतलब होता है ढेला, तो ढेला उठा ले, ढेला मार, यहाँ पे देख सकते हैं वाल्टर डेला मेयर, एन एपिटाफ, इसको मिला देना यहाँ पे मिलान चाहिए, ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पूरा पसंद आए तो इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे इसके बाद देखिए स्नेक, तो स्नेक यहाँ पे किसने लिखा है ना, तो यहाँ पे खोज रहे हैं स्नेक, यहाँ पे देख सकते हैं स्नेक को लिखा डी एच लॉवेरियंस, लॉवेरियंस का मतलब लॉवेरियंस, जैसे सांप होता है, स्नेक का मतलब सांप होता है, लॉवेरियंस अंश, यानी कि उसका अंश जैसे जहर, यानी कि उसका अंश किसी के शरीर में जैसे ही पड़ा तो वह क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, इसलिए लॉवेरियंस अंश, यानी दिमाग में रखना अंश, लॉवेरियंस जैसे ही आएगा उसका मतलब समझ जाना, इसका अंश, अंश का मतलब हुआ यानी कि जहर, जैसे जहर आया सांप का तो यहाँ पे क्या हो गया डी एच लॉवेरियंस, तो शायद आप समझ रहे होंगे। इसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि आप अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, यानी कि वीडियो को स्किप करके मत भागे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अगर यहाँ पे देखिए कोई भी व्यक्ति जब रात हो जाता है, यानी कि रात हो जाता है, कहीं भी अंधेरा हो गया, तो वह अपना ना अपना कोई ना कोई सॉन्ग जरूर गाता है, जैसे जय हनुमान जय बजरंग बली करता है, तो माई यहाँ पे दिया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हाइटमैन, इसको व्हाइटमैन मानना, व्हाइटमैन, व्हाइटमैन का मतलब व्हाइटमैन, रात में आदमी जो है यानी कि अजीब सा दिखता है, तो व्हाइटमैन रात में किस टाइप का दिखता है, व्हाइटमैन दिखता है, कोई भी आदमी व्हाइटमैन दिखने लगता है डर से, ठीक है, तो एकदम समझ लेना कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बस व्हाइटमैन हो जाए, वाल्ट व्हाइटमैन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ रहा माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस, तो हाउस में कौन रहती है, कमला दास, घर में कौन रहती है, कमला दास रहती है ना, तो इस तरह से आपको याद करना है। यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस ये हो जाएगा
कमला दास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बारीकी से आपको सीख लेना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, शायद आपको याद भी होते जा रहा होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगले हम वीडियो लेकर के आएंगे, एक्सप्लेनेशन का और प्रोज पोएट्री का सब क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे बच गया ओड टू अटमन। ओड टू अटमन, अटमन का मतलब क्या होता है, यानी कि अटमन के समय में, अटमन में यानी कि क्या लगता है, किट्स लग जाता है। अटमन, ओड टू अटमन यानी किट्स लग जाता है। अटमन में क्या होता है, ओड टू अटमन किट्स लग जाता है। तो किट्स किस में आ रहा, जोहान किट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिल गया इसका, है ना। तो आप यहाँ पे एक बार हम रिपीट करवा सकते हैं कि एन एपिटाफ वाल्टर ढेला मेयर, है ना, एन एपिटाफ वाल्टर ढेला मेयर। एपिटाफ का मतलब कब्र होता है, कब्र का मतलब मिट्टी में। इसके बाद यहाँ पर स्नेक, स्नेक डी एच लोबेरियंस, अंश जिसका गया शरीर में, यानी स्नेक का अंश जिसका शरीर में गया, तो वो क्या हो गया, डी एच लोबेरियंस। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो अपना पसंद का गाना गाने लगता है जब वाल्ट विटमैन, विटमैन जब रात में कोई व्हाइट मैन दिखने लगता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ देखिए माई ग्रैंड मदर हाउस, तो घर में कौन रहता है, कमला दास, कमला दास रहती है कहाँ, घर में। बस ऐसे ही याद रखना आपको, ओड टू अटमन, अटमन में यानी कि किट्स लगता है, तो यहाँ पे जोहान किट्स हो जाएगा, ओड टू अटमन का जोहान किट्स। शायद आपको ये चीज याद हो गया, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रोज से, ठीक है। ये पोएट्री का हो गया, आप प्रोज से बताएंगे, मात्र दो ही बताएंगे, हमको 50 वीडियो नहीं बनाना है, मात्र दो वीडियो से आपका जो है टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक आएंगे प्रोज से लेकर के, ये पोएट्री का आपका 100% मान लीजिए, यानी कि आपके आपके पास यानी कि बहुत ही कम समय बचा हुआ, यानी कि हमें ढेर सारा वीडियो बना करके आपको तबाह नहीं करना, बस इसी को कंप्लीट कर लेना है जिस तरह से हम बताएं। और हम आएंगे प्रोज से अब, यानी कि वीडियो लेकर के, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। और सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।